हेलो फ्रेंड्स, आज का प्लान का प्लॉट एरिया 24 फीट × 30 फीट का है, जो कि 720 स्क्वायर फीट का प्लान है। वेस्ट फेसिंग का प्लान है। सो इधर फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में इधर मेन एंट्री गेट प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि मेन एंट्री गेट का साइज 5 फीट का है एंड हाइट 6 फीट 5 इंच का है। सो इस बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल से प्लिंथ हाइट 2 फीट रखा है। अब ग्राउंड लेवल से प्लिंथ हाइट थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो इस बिल्डिंग में स्टेयर के नीचे से एंट्री होगा। सो अब स्टेयर के नीचे आप बाइक पार्किंग हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। सो आप इसी तरह स्टेयर भी कर सकते हैं। सो स्टेयर एरिया का साइज इधर 13 फीट 4 इंच का है और इधर 7 फीट का है। सो स्टेयर का विड्थ 3 फीट 5 इंच का है, ट्रेड 9 इंच का है, राइजर 6 इंच का है। उसके बाद इधर ड्राइंग एंड डाइनिंग हॉल है, जो कि ड्राइंग एंड डाइनिंग हॉल का साइज इधर 10 फीट है और इधर भी 10 फीट का है। सो अब ड्राइंग एंड डाइनिंग हॉल का वेंटिलेशन के लिए इधर एक विंडो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि 4x4 फीट का है। सो अब ड्राइंग हॉल में इधर अब सोफा आप इसी तरह रख सकते हैं। सो इधर किचन प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि किचन का साइज इधर 7 फीट का है और इधर 6 फीट का है। सो किचन का वेंटिलेशन के लिए फ्रंट साइड में इधर एक 3x4 फीट का विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो उसके बाद किचन के पास में इधर एक बेडरूम भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि छोटा साइज का एक बेडरूम है, जो कि बेडरूम का साइज इधर 8 फीट 5 इंच का है और इधर 11 फीट का है। सो इस बेडरूम में दोनों साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 4x4 फीट का विंडो भी प्रोवाइड किए गए हैं। सो इधर एक कॉमन टॉयलेट है, जो कि कॉमन टॉयलेट का साइज इधर 7 फीट 5 इंच का है और इधर 5 फीट 4 इंच का है। उसके बाद इधर और एक बेडरूम है, जो कि बेडरूम का साइज इधर 11 फीट 4 इंच का है और इधर 12 फीट का है। सो इस बेडरूम में दोनों साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए 4x4 फीट का 2 विंडो भी प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद इधर और एक बेडरूम है, जो कि बेडरूम का साइज सेम ही है। सो इधर 11 फीट 4 इंच का है और इधर 12 फीट का है। सो इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड में 4x4 फीट का विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो दोस्तों, आज का प्लान आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्लान पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए। सो आप इस बिल्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस बिल्डिंग का कॉलम का लेआउट एंड फ्रंट एलिवेशन देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कॉलम का पोजीशन। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम 14 प्रोवाइड किए गए हैं। कॉलम का साइज 10 इंच × 10 इंच का है। और इस बिल्डिंग का ऑल वॉल 5 इंच का है। सो आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन। सो आप इसी तरह इस बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन कर सकते हैं। सो फ्रंट साइड में आप इसी तरह पैरापिट वॉल का डिजाइन कर सकते हैं। सो इस बिल्डिंग को करने के लिए आपको
अप्रोक्सीमेट 10 लाख कॉस्ट पड़ेगा। सो दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। सो मैं इसी तरह हाउस प्लान लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।